आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे ब्लोअर पल्वराइजर मशीन यानी मसाला पीसने वाली मशीन। आप देखेंगे हमने चिली भी ला के रखी है, वो जो पूरी की पूरी सूखी है। तो मशीन की हम बनावट समझते हैं पहले कि ये मशीन की बनावट कैसे बनाई गई और ये मशीन काम कैसे करती है जिससे मिर्ची का पाउडर इसको आपको मिल जाता है। तो चलिए मशीन को बारीकी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पावर सप्लाई का, ये जो मशीन है 3 HP की बनी है। हमने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टर लगाया, ये डिजिटल स्टार्टर। ये स्टार्टर का काम क्या है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। वोल्टेज के बाद आपको यहाँ पे मशीन यानी मोटर कितना लोड ले रही है वो एम्पियर आपको नीचे दिखाएगा। अभी एम्पियर कितने लोड के ऊपर एम्पियर करने चाहिए वो आप कोई भी मोटर हो तो उसके ऊपर नेम प्लेट लगी होती है, नेम प्लेट ऊपर ही आपको दिखाया जाता है कि 12 एम्पियर इसका रेटिंग है। तो मशीन को आपको 12 एम्पियर से ज्यादा उसके ऊपर चलाने नहीं है। यहाँ पे देखें कि जैसे हमने पावर सप्लाई दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट मतलब ये मोटर के अंदर जाएगा और अपने गवर्नमेंट के जो बिजली आती है यहाँ पे देना है, फेज और न्यूट्रल। फिर हमने जैसे ही स्टार्टर स्टार्ट किया यहाँ पे दिख रहा है ऑफ, यानी मशीन अभी ऑफ है, पावर कोई कंज्यूम नहीं कर रहा। आप वोल्टेज दिख रहे हैं कि 230 वोल्टेज आ रहे हैं अभी ऊपर की लाइन से। जैसे हम मशीन को स्टार्ट करके एम्पियर भी हमको देखने को मिलेगा, वो अभी लाइव डेमो लेके हम देखते हैं और ये देखते हैं कि कितना एम्पियर लोड ले रही है मोटर। मशीन के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल जो, यानी हमें कोई भी चीज़ ग्राइंडिंग करनी है तो हम यहाँ पे रखेंगे और इसको अंदर से डालते रहेंगे। ये ऐसे टेपर में है तो मटेरियल भी अपने खुद ना खुद जाता रहेगा। अभी ये हमने एक स्लाइडिंग गेट दिया है, वो किस लिए कि अगर धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है और कोई दूसरे मसाले हैं जिसका आप एडजस्टेबल हिसाब के करके इसको लॉक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि मशीन के अंदर जो ग्राइंडिंग है वो ग्राइंडिंग चैम्बर कैसा बनाया है। तो ये आप देख रहे थे 3 HP का मशीन है, उसके अंदर ये हैमर्स लगी है जो फोर्ज है, मतलब इसको लोहे को गर्म करके इसको टीपा जाता है जिससे इसकी हार्डनिंग बढ़ जाती है। मशीन फास्ट स्पीड में घूमेगा, ये ब्लेड स्ट्रेट और सीधी हो जाती है। अभी जाली इसके अंदर है तो जाली आप देखेंगे हमने छोटे होल वाली लगाई है। जाली को आपको कैसे निकालना है वो दिखा देते हैं। जाली को यहाँ पे स्ट्रेट कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट कीजिए, फिर यहाँ से इसको डायरेक्टली खींच लीजिए। ये जाली आ गई, इसी हिसाब से जाली और इसके साथ में हम लोग फ्रेम देते हैं, ठीक है। ये फ्रेम नीचे की साइड लगाना, जाली ऊपर की साइड ऐसे रहेगी, जिससे क्या होगा जाली के ऊपर जो दबाव बनता है उसके ऊपर ये सपोर्ट लगे है तो जाली टूटेगी नहीं। चलिए अभी जाली को फिट करते हैं फिर से। ये हमने फ्रेम डाल दी अंदर, अभी हम जाली डालेंगे। ये जाली आ गई, यहाँ से हमें इस साइड से यहाँ पे मोड़ देना है, इसको यहाँ से मोड़ ये मोड़ दिया। अभी हम मशीन को यहाँ से बंद कर देना, ठीक है। यहाँ पे हैमर लगी है, उसी के साथ में हमने इस साइड में आप देखेंगे तो इसमें दांती लगी है, इसको बोलते हैं कटर। ये ट्रायंगल शेप में कटिंग की, वहीं पे मसाला फंसता है और ब्लेड है उसको काटता है, तो इस हिसाब से इसको लाइनर भी बोला जाता है। यहाँ से क्या होगा, ये भी जो मटेरियल ग्राइंडिंग होके जाता है तो उसको नीचे के साइड जाता है। यहाँ पे हमने एक एयर वेंट दिया, वो एयर वेंट क्या करता है कि हवा में से एयर लेता है और मसाले को आगे की साइड पे ले जाता है। इसके अंदर फैन लगा है, फैन ही मसाले को खींच के हवा के साथ उसको यहाँ से ले जाके साइक्लोन में चला जाता है। हवा जो रहती है वो अपने ऊपर की साइड से निकल जाती है, मसाला है वो अपना नीचे आ जाता है। मशीन को आप देखिए कि हमने मोटर लगाई है, यहाँ पे पुली लगाया है। अगर मशीन के साथ में आप मोटर के साथ लेते तो ये पूरी अरेंजमेंट आपको साथ में मिल जाएगी। अगर आप बिना मोटर का लेते हैं तो आप क्या चीज़ देखेंगे, देखिए कि हमने मोटर माउंटिंग के लिए यहाँ पे स्लॉटिंग वाला टेबल दिया है, जिससे क्या होगा मोटर आप आगे पीछे हो, मोटर की कोई साइज अलग हो तो वो सभी तरीके की मोटर आप यहाँ इस मशीन के अंदर फिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये बेल्ट देख रहे हैं तो बेल्ट के अंदर हमने लिखा है B50, ठीक है। तो B50 मतलब B साइज का बेल्ट है, A साइज होता है, फिर दूसरा आता है C साइज आता है, A छोटा आता है, B बड़ा आता है और C इससे भी बड़ा आता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 8 इंच की पुली लगाई है, यहाँ पर 3 इंच की पुली है। तो इस हिसाब से आप बेल्ट को मेजर करना है, यहाँ से दूरी से आप दूरी से मेजर करेंगे, दूरी को लेना है, दूरी से आप माप लीजिए दोनों पुली को, फिर दूरी को लंबा करके बेल्ट के साथ आप मापेंगे तो आपको आएगा 50 इंच। तो ये 50 इंच का बेल्ट हमने इस हिसाब से लगाया। मशीन के अंदर आपको नीचे के इस साइड एंटी वाइब्रेशन पैड आया है, ये रबर के पैड दिए गए हैं, उससे क्या होगा कि मशीन का जो वाइब्रेशन है ये पैड सोख लेगा और आपको नहीं फर्श के ऊपर कोई अलग से वाइब्रेशन जाएगा। ये सिर्फ हमने आपको जाली कैसे लगानी है, इसमें हैमर कैसे लगे रहता है और ये हैमर भी आपको कभी घिस जाए चेंज करना है तो नॉर्मली यहाँ से ये सब क्लिप है उसको निकाल दो, यहाँ पे सब क्लिप निकाल दो, ये रोड पूरा बाहर आ जाएगा, सभी के सभी हैमर हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है। इसे हैमर और ब्लेड भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं।
जाली लगाने के बाद मशीन को सीधा डायरेक्टली आपको यहाँ से ऐसे इस पर टाइट पैक करना है। पैक करने के बाद उसका स्टड जो है यहाँ से आपको लग जाएगा। इसको यहाँ से टाइट करके आपके पास स्पैनर जो हो इसका कोई भी हेड स्पैनर से इसको एकदम टाइट करना है, जिससे यहाँ पे कोई लीकेज आने वाला हो तो लीकेज कम से कम एकदम ना के बराबर आएगा। मशीन के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की जाली मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप जैसा बारीक चाहते हैं तो बारीक, मोटा चाहते हैं तो मोटा, और दो बार उसको आपको पिसाई करनी है हल्दी की तो आपको अलग अलग जाली प्रकार के मिल जाएगी, जिससे आपको जैसा पाउडर चाहिए उस हिसाब से आप पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पूरा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसी के साथ में हमने धनिया का और हल्दी का भी डेमो वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक अलग से डाला है। अगर आप उसका भी कैसे ग्राइंडिंग करते हैं वो समझना चाहते हैं तो कृपया करें हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, उसको वीडियो को देखें। थैंक यू, धन्यवाद।